तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.20, जिसमें हमें काफी नई नई चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि स्नीफर, कैमल, चेरी बायम एंड और भी बहुत कुछ। एंड इस 1.20 में 100 डेज सरवाइव करते हुए मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड ट्रिम के साथ नेथरेट आर्मर बनाना है। सेकंड, मुझे अपने लिए 1.20 बेस एक खूबसूरत सा हाउस बनाना है। थर्ड, मुझे स्नीफर एंड कैमल्स को ढूंढ के लाना है। एंड फाइनली, हमेशा की तरह मुझे एंड में जाके एंडर ड्रैगन को हराना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इन माइनक्राफ्ट 1.20? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस माइनक्राफ्ट 1.20 वाले वर्ल्ड में। एंड स्पॉन होते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे पेड़ तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई कोई भी वर्जन हो, हमारी शुरुआत तो पेड़ तोड़ के ही होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके मैं एक वुडन की पिक एक्स और एक वुडन की एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते मुझे पे कुछ शोर केन्स मिल जाते हैं, जिसे मैं ले लेता हूँ, जो कि अपने को फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काम आएगा। एंड अभी मेरे को जल्द से जल्द खाने का और बेड का जुगाड़ करना था, और मेरे सामने काफी सारे शीप्स थे, काउस थे, तो मैं उनको मार के फूड कलेक्ट कर लेता हूँ। इना फूड कलेक्ट करके मैं आगे की तरफ बढ़ी रहती कि तभी मुझे यहाँ पे काफी बड़ी सी गहरी केव मिल जाती है, तो मैं सीधा तैरते हुए अंदर चले जाता हूँ। अंदर पहुंचते मैं भर भर के अपने लिए काफी सारे स्टोन माइन कर लेता हूँ, एंड उसके हेल्प से अपने लिए स्टोन की पिकेक्स, एक्स और फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ। पास में मेरे काफी सारा कोल भी था, तो मैं कोल को भी माइन कर लेता हूँ, एंड उसके हेल्प से मैं अपने फूड को कुक करने के लिए रख देता हूँ। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरा फूड कुक हो जाता है, एंड तभी बहते बहते मेरा एक फैन मुझसे मिलने आ जाता है, तो मैं उसको ऑटोग्राफ दे देता हूँ। एंड कुछ ही देर में यहाँ पे रात भी होने वाली थी, तो मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास थोड़ा बहुत आयरन भी मुझे नजर आ रहा था, जिससे हम अपने लिए आर्मर क्राफ्ट कर सकते थे, तो मैं आयरन को माइन कर लेता हूँ। एंड काफी देर की माइनिंग करने के बाद गैस अब अपने पास टोटल 39 आयरन हो चुके थे, तो मैं फटाफट से अपने फर्नेस को प्लेस करता हूँ एंड उसमें अपने 39 आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड काफी देर वेट करने के बाद जैसे मेरे सारे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं, मैं उसके हेल्प से अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर, साथ एक आयरन की पिकेक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था। केव से बाहर निकल के गैस मैं कुछ देर आगे की तरफ बढ़ी रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल जाता है, सो मैं सोचता हूँ कि अभी आ ही गए तो इसको भी लूट लेते, बट मेरी पिटाई ना हो इसके लिए सेफ्टी के लिए मैं शील्ड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं जैसे ही पिलेजर आउटपोस्ट की तरफ जा ही रहा था कि उससे पहले ही कुछ पिलेजर्स ने मुझे घेर लिया था, मुझ पे अटैक करने लग गए थे। एंड पता नहीं यहाँ पे भर भर के काफी सारे पिलेजर्स थे, जो कि हर डायरेक्शन से मुझ पे एरो छोड़े जा रहे थे। बड़ी मुश्किलों से मैं सीधा पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर चले जाता हूँ एंड अपने आप को कवर कर लेता हूँ। ऊपर पहुंच के मैं देखता हूँ कि ऊपर का एरिया पूरा क्लीन है, एंड यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर गैस हमें अपने वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रीम्स मिल जाते हैं, जो कि पिलेजर आउटपोस्ट वाले ट्रीम्स है। इससे गैस बेसिकली हम अपने आर्मर पे डिजाइन लगा सकते हैं, साथ ही मुझे यहाँ पे कुछ लॉक्स, पोटेटो एंड आयरन भी मिलता है। बट अब गाइस मेन प्रॉब्लम थी कि मैं नीचे जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि चारों तरफ से मुझे पिलेजर्स ने घेर लिया था एंड मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं थी एमएलजी करने के लिए। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जो कि था बेड एमएलजी, जो कि मैं काफी बढ़िया तरीके से कर देता हूँ। एंड उसके बाद बेड को तोड़ के मैं इतना स्पीड से निकलता हूँ कि एक बार के लिए तो फ्लैश भी शर्मा जाए। मुझे क्यों तोड़ा? विलेजर से भागते भागते मैं एक जगह पे पहुंचता हूँ एंड मेरे जस्ट सामने मुझे एक विलेज मिल जाता है। एंड विलेजर्स की चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे कुछ ब्रेड्स, एमरल्ड एंड फिर से कुछ एमरल्ड मिलते हैं। एंड गाइस मैं और विलेजर के घर को चेकआउट करने जा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि अपने विलेज के जस्ट पीछे एक छोटा सा चेरी बायोम है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था, बट उसको हम बाद में चेकआउट करेंगे। फिर मैं इन भाई साहब की भी चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जिसमें से मुझे कुछ ब्रेड्स मिलते हैं। एंड फिर मुझे विलेज में काफी सारे हेबल्स मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ से एक एक करके सारे हेबल्स को बटोर लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक गोलम भी था, तो मैं उसको मारता हूँ ताकि उससे मुझे कुछ आयरन मिल जाए, बट भाई साहब ये आयरन गोलम तो थोड़ा सा गजनी टाइप निकला। मैं जैसे ही दूर जा रहा था ये भूल ही जा रहा था कि इसको मुझ पे अटैक करना है। एंड ये सेम चीज काफी टाइम तक चलती रही, पता नहीं भाई 1.20 में आते ही गोलम का दिमाग किधर चले गया। ऐसा लग रहा था कि भाई 5-5 मिनट में ये बंदा अपनी याददाश्त खो देता है। बट फाइनली 10 मिनट बाद उसको याद आया कि वो एक आयरन गोलम है, उसको मुझ पे अटैक करना है। सो हमेशा की तरह गोलम भैया को प्यार से मार के मैं उनसे आयरन उधार ले लेता हूँ। एंड फिर मुझे गाइस ये विलेजर का घर काफी ज्यादा सही लगा, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि कुछ दिन यही रहने का। सो इसी विलेजर की चेस्ट में गाइस मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे मैं रख देता हूँ। एंड साथ ही मेरे पास गाइस काफी सारे शोर केन्स भी थे, तो मैं उनको भी लगे प्लांट कर देता हूँ, ताकि जब तक हमें एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करना पड़े ये शोर केन्स ग्रो हो जाए। एंड फिर ऐसे आसपास घूमते घूमते गाइस मुझे अपने विलेज के जस्ट सामने एक रुइन पोर्टल मिल जाता है, जहाँ पे दो गोल्ड
के ब्लॉक होते हैं तो मैं उन दोनों गोल्ड के ब्लॉक को ले लेता हूँ। एंड साथ ही यहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर से मुझे कुछ ऑब्सीडियन, कुछ आयरन के नगेट, फ्लिंट एंड स्टील और एक फेदर फॉलिंग वाले बूट्स मिलते। उसके बाद मैंने जितने भी हेबल्स कलेक्ट किए थे उनका वीट बना के मैं अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड सीधे निकल जाता हूँ चेरी बायोम वाले पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। चेरी बायोम के पास पहुंच के गाइस मैं देखता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे चेरी के पेटल्स थे। एंड सही में गाइस डेकोरेशन के लिए ये छोटे छोटे पेटल्स काफी ज्यादा खूबसूरत थे। एंड साथ ही गाइस ये जो चेरी के ट्री में से ये जो पेटल्स बरस रहे ये भी काफी ज्यादा प्यारे लग रहे। एंड इसके लॉग भी गाइस काफी ज्यादा खूबसूरत है, स्पेशली इसके जो प्लैंक का कलर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सो हो सकता है आगे चल के हम इसका थोड़ा सा यूज कर ले, तो मैं यहाँ से कुछ ये चेरी वाले लॉग्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड लगे हाथ साथ ही इनके कुछ सैपलिंग्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सही में इनकी सैपलिंग्स को देख के ऐसा लग रहा था कि मैं माइनक्राफ्ट में कोई मोड को यूज कर रहा हूँ। फिर गाइस मुझे पास में काफी बड़ी सी केव मिल जाती है तो मैं चले जाता हूँ कुछ डायमंड्स को माइन करने के लिए ताकि हम जल्द से जल्द अपने लिए नेदर पोर्टल बिल्ड कर सके। एंड ऐसे केव को एक्सप्लोर करते करते अभी मैं काफी ज्यादा नीचे आ जाता हूँ, बट मॉब्स के अलावा मुझे यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं मिल रहे थे। थोड़ा देर घूमते मुझे यहाँ पे कुछ लैपिस लाजुली मिल जाते हैं जिसे मैं माइन कर लेता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते मुझे ऐसे कुछ रेडस्टोन भी मिल जाते हैं। एंड क्योंकि गाइस मुझे बिल्कुल भी डायमंड नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने की। सो मैं थोड़ी देर स्ट्रिप माइनिंग कर ही रहा था कि तभी गाइस ऐसी माइन करते करते मुझे एक स्केलेटन का स्पॉनर मिल जाता है। सो मैं फटाफट से वहाँ पे पहुंच के सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ देता हूँ एंड इन सबको आपस में लड़वा देता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली आखिरी स्केलेटन को मार के मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसके अंदर से मुझे गोल्डन एप्पल, एक सैडल और कुछ बोन्स मिलते। एंड अभी गाइस मैं जो है केव में काफी ज्यादा नीचे आ चुका था क्योंकि मुझे पे स्कल के ब्लॉक नजर आने लग गए थे। एंड जैसे गाइस मैं पीछे मुड़ता हूँ फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स मिल जाते, बट वहीं पे मेरे पीछे ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो चुका था तो मैं समझ चुका था कि सामने यहाँ पे ज़ॉम्बी का स्पॉनर है। सो मैं फटाफट से दौड़ दौड़ के उसके पास जाता हूँ, स्पॉनर को तोड़ देता हूँ एंड उसके बाद एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दो चेस्ट थी जिसमें से एक में से मुझे गोल्डन एप्पल, कुछ आयरन मिलते हैं एंड दूसरे में से मुझे कूड़ा मिलता है। एंड उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने मेन माल के पास एंड यहाँ से गाइस मुझे एक नहीं दो नहीं टोटल छह डायमंड्स मिल जाते हैं। एंड फिर मैं केव में ऐसे एक्सप्लोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि मुझे और डायमंड्स मिल जाए। एंड चलते चलते तभी मैं एक एमिथिस के जियोड में पहुंच जाता हूँ जहाँ से मैं कुछ एमिथिस के शार्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इससे भी गाइस हम अपने ट्रिम्स के साथ कंबाइन करके अपने आर्मर को डिजाइन दे सकते थे। एंड फिर थोड़ा आगे बढ़ते मुझे फिर से दो डायमंड्स मिल जाते हैं जिसे मैं माइन कर लेता हूँ। एंड उसी रास्ते से गाइस आगे बढ़ते बढ़ते मुझे फिर से एक और स्पॉनर मिल जाता है। भाई साहब 1.20 में इतने स्पॉनर क्यों मिल रहे, अपना काम कर रहा। इनकी चेस को चेकआउट करने पे मुझे एक नेम टैग और एक बकेट मिलता है। एंड दूसरी चेस में से मुझे एक लूटिंग 3 की बुक और एक डायमंड हॉर्स का आर्मर मिलता है। एंड एक काफी अच्छी केविन ट्रिप के बाद मैं फाइनली अपने केव से बाहर आ जाता हूँ, बट बाहर पहुंचते गए मैं देखता हूँ मेरे आसपास ही मॉब्स ही मॉब्स थे तो मैं डिसाइड करता हूँ एक हॉर्स को टेम करके यहाँ से सीधा भागने का। बट भाई साहब ये हॉर्स इतने ज्यादा जिद्दी थे, कोई भाई टेम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड ये हॉर्स इतने ज्यादा जिद्दी थे कि भाई रात से दिन होने वाला था बट अभी तक ये हॉर्स टेम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बट फाइनली हॉर्स को मुझ पर दया आ गई एंड ये मेरा फ्रेंड बन जाता है। सो मैं फटाफट से इसको सैडल पिना के यहाँ से सीधा भाग लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं बड़ी सेफ्टी से अपने हॉर्स को विलेज में लेके जा ही रहा था कि एक ड्राउंड ने जो है दो तीन अपने ट्राइडेंट से अटैक करके मेरे हॉर्स को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सो मैं फटाफट से उस ट्राइडेंट वाले ड्राउंड को जाके उसको मारता हूँ ताकि वो मुझे ट्राइडेंट दे सके, बट ट्राइडेंट को छोड़ के उसने मुझे बाकी सारा कूड़ा कचरा दे दिया था। एंड उसके बाद फटाफट से मैं अपने हॉर्स को थोड़ा सा वीट खिला के उसकी हेल्थ को फुल कर लेता हूँ एंड उसे अपने घर के पीछे वाली साइड लेके आ जाता हूँ। एंड मेरे जान बचाने के इनाम पे मैं उसे डायमंड हॉर्स का आर्मर पिना देता हूँ एंड फिर उसे गड्ढे में गिरा देता हूँ ताकि वो इधर उधर भाग ना जाए। एंड अभी गाइस मेरे पास टोटल 8 डायमंड थे तो उससे मैं एक डायमंड की पिकेक्स, एक स्वॉर्ड और एक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद उसी रूइन पोर्टल के पास से मैं अपने नेदर पोर्टल के लिए कुछ ऑब्सिडियन माइन करने लग जाता हूँ। इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से एक पोर्टल को बिल्ड करके उसे लाइट अप कर देता हूँ एंड बिना देरी करे सीधा निकल जाता हूँ नेदर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में स्पॉन होते गाइस मैं देखता हूँ कि मैं काफी अच्छी जगह पे स्पॉन हुआ था। मैं स्पॉन हुआ था एक क्रिमसन के ट्री के ऊपर एंड मेरे काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पे काफी बड़ी सी सोल सैंड वाली बायोम भी थी जहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ से कुछ बोन के ब्लॉक्स को ले लेता हूँ ताकि हो सकता है आगे चल के हमारे काम आ जाए। फिर ऐसे गाइस मैं आगे बढ़ ही रहता कि तभी इसी सोल सैंड वाली बायोम में मुझे एक बड़ा सा बैस्टियन मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात थी। एंड यही नहीं, इसके जस्ट सामने मुझे यहाँ पे एक और एक बैस्टियन मिल जाता है, यानी कि जिस बैस्टियन पे हम खड़े थे वो एक ट्रेजर वाला था बट सामने वाला आई थिंक स्टेबल वाला बैस्टियन था। एंड उसके बाद बड़े ध्यान से मैं बैस्टियन के अंदर आ जाता हूँ बट पूरे बैस्टियन को चेकआउट करने पे भी मुझे यहाँ पे एक भी चेस्ट नहीं मिलती और इन भाई साहब को देखो ये मुझे मारेंगे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो मैं सीधा मेन ट्रेजर के लिए ब्रिज पे पहुंचता हूँ एंड यहाँ पे पहुंच के मैं कुछ पिगलिन ब्रूट को मार के स्पॉनर को तोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद सीधा मेन माल पे पहुंच के मैं यहाँ से फटाफट से सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को बटोरना शुरू कर देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने पहले चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसके अंदर से मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डायमंड आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट करने के लिए। साथ ही मुझे एक डायमंड के बूट्स, दो एंशियंट डेब्रिस और एक नेथरेट का इंगट भी मिलता है। एंड दूसरे चेस्ट में से भी गाइस मुझे एक नेथरेट का स्क्रैप, एक और स्मिथिंग टेम्पलेट और एक डायमंड के बूट्स मिलते हैं। फिर गाइस आगे मैं कुछ और पिगडन ब्रूट्स को मारता हूँ, आगे
मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें डायमंड की पिकैक्स थी बट उस पर कर्स ऑफ वैनिशिंग लगी थी। एंड उसके बाद ब्रिज पे पहुंची मैं दोनों गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं सीधा डबल चेस्ट पे पहुंचता हूँ जहाँ से मुझे काफी सारे गोल्डन कैरेट्स, कुछ ऑब्सिडियन, कुछ आयरन के ब्लॉक्स और कुछ और ट्रिम्स मिलते हैं। एंड आगे दो और चेस्ट थी जिसमें से मुझे एक चेस्ट को चेकआउट करने पे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिलता है। एंड दूसरे चेस्ट में से मुझे एक आयरन का ब्लॉक और एक सोल स्पीड 3 वाली बुक मिलती है। एंड क्योंकि गाइस अपने आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कम से कम 4 स्मिथिंग टेम्पलेट की जरूरत थी एंड मेरे पास 3 तो थे ही, सो एक और ढूंढने के लिए मैं सामने वाले बेस्टन में आ जाता हूँ। जहाँ पे पहुंचते ही पिकिन ब्रूट ऑटोमेटिकली मुझे देख के नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं, सो मुझे इनको बिल्कुल भी मारना ही नहीं पड़ा। फिर एक चेस्ट में से मुझे एक नेथरेट का स्क्रैप मिलता है एंड बाजू वाले डबल चेस्ट में से मुझे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट, कुछ एरोस एंड कुछ और ऑब्सिडियन मिलते हैं। एंड काफी सारी अच्छी लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में अपने सारे इन्वेंटरी क्लियर करने के बाद मैं फिर से नेदर में आ जाता हूँ एंड मैंने जितने भी गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट किए थे उनको इंगट बना के मैं उनको पिगडिन्स को दे देता हूँ ताकि उसके बदले ये हमें काफी अच्छे अच्छे माल दे सके। एंड काफी देर वेट करके 1.5 स्टैक गोल्ड लुटाने के बाद फाइनली इन्होंने मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान दे दिया था जिसमें इन्होंने मुझे काफी सारे लेदर, एंडर पोल्स, पोशन एंड एरोस दे दिए थे। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने 1.20 वाले वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, जिसके लिए हम सबसे पहले ढूंढने वाले थे स्नीफर को जो कि हमें वार्म ओशन में मिलेगा, बट उसके लिए हमें सबसे पहले एक ब्रश को क्राफ्ट करना पड़ेगा। सो मैं आसपास चिकन्स को ढूंढ के उनको मारता हूँ ताकि उनसे मुझे फेदर मिल जाए। एंड जैसे मुझे फेदर मिलता है मैं एक ब्रश को क्राफ्ट कर लेता। एंड उसके बाद गाइस मैं सीधा निकल जाता हूँ वार्म ओशन को ढूंढने के लिए। ऐसे चलते चलते गाइस मैं डेजर्ट और मेसा बायोम के बीच में आ जाता हूँ एंड थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे सामने काफी बड़ा सा ओशन नजर आता है जो कि एक वार्म ओशन ही था, यानी कि यहाँ से हमें स्नीफर एग्स मिल सकते थे। सो मैं सीधा कूद जाता हूँ पानी के अंदर। ओशन के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है जहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी था, तो मैं फटाफट से गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ, बट यहाँ पे कहीं पे भी चेस्ट नहीं थी। एंड गाइस स्नीफर के एग्स को ढूंढने के लिए हमें ओशन रूइन की जरूरत है जहाँ पे सस्पिशियस सैंड होते हैं। एंड जैसे मैं आसपास देख रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे ओपन में सस्पिशियस सैंड मिल जाता है जो कि ऐसा मिलना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये जो ओशन रूइन था ये पानी के अंदर धस चुका था। सो हमें बेसिकली ब्रश को सस्पिशियस सैंड के ऊपर इस तरीके से चलाना होता है एंड इसके अंदर हमें कुछ भी रैंडम आइटम मिल सकता है। एंड हमें मिला क्या है, गोल्ड के नगेट्स। अंदर मुझे कुछ और सस्पिशियस सैंड मिलते हैं जिसमें से मुझे कोल और व्हीट मिलते हैं। एंड स्नीफर के एग्स को ढूंढना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि स्नीफर के एग्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। आगे मैं कुछ और ब्रशिंग का काम करता हूँ जिसमें से मुझे आयरन की एक्स और कुछ पॉटरी का सामान मिलता है। एंड ऐसे गाइस आगे कुछ और ओशन रूइन को ढूंढ के ब्रश करते करते मैं काफी ज्यादा थक चुका था कि तभी गाइस मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली मुझे वो स्नीफर का एग मिल जाता है। भाई साहब इसको ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, लिटरली गाइस एक छोटे से स्नीफर एग को ढूंढने में मेरे रियल लाइफ के 1.5 घंटे चले गए, बट ये काफी ज्यादा वर्थ इट भी था। आगे मुझे एक शिपरेक मिलती है जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे बरे ट्रेजर का मैप मिलता है। दूसरे चेस्ट में से मुझे काफी सारा आयरन, लैपिस एंड कुछ एमरल्ड मिल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे एक और शिपरेक मिल जाता है। एंड मैं बेसिकली शिपरेक को इसलिए लूट रहा था क्योंकि हमें शिपरेक से भी काफी सारे ट्रिम्स मिल सकते हैं। एंड मैं बेसिकली सोच रहा था कि हमें जितना ज्यादा ट्रिम्स मिल सके उतना अच्छा है ताकि हम अपने आर्मर पे उतना ज्यादा डिजाइन कर सके, बट स्टिल मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये सब एक्सप्लोर करने के चक्कर में गाइस मेरा खाना काफी ज्यादा कम हो चुका था एंड तभी गाइस लक के लिए मुझे अब एक विलेज मिल जाता है, बट ये विलेज काफी ज्यादा अजीब सा था क्योंकि ऐसे विलेज इन पेड़ों के बीच में स्पॉन नहीं होते। बट अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अपने को तो सिर्फ खाने से मतलब था, तो यहाँ पे जितने भी हेबल्स थे मैं फटाफट से उन सबको बटोर लेता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे क्लेरिक भाई साहब का घर मिलता है जहाँ से मैं एक ग्रीन स्टैंड को ले लेता हूँ। एंड उसके बाद जितने भी हेबल्स मैंने कलेक्ट किए थे उससे मैं काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड एक काफी अच्छे एक्सप्लोरेशन करने के बाद मैं फाइनली अपने विलेज में वापस आ जाता हूँ। विलेज में पहुंच के मैं अपने घर के पीछे ही स्निफर एग को लगा देता हूँ। एंड उसके बाद मेरी इन्वेंटरी में जितना भी सामान था उसे मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड गाइस सस्पिशियस सैंड को ब्रश करते करते मुझे कुछ पॉटरी के शेड मिले थे जिससे हम एक डेकोरेटेड पॉट को क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। एंड इसको हम किसी से भी कंबाइन करके कोई भी डिजाइन बना सकते थे एंड डेकोरेशन वाइज ये पॉट काफी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपनी मेहनत को रंग लाने की, यानी कि स्निफर एग को हैच करवाने की। सो मैं यहीं पे खड़े खड़े AFK करते रहता हूँ। एंड ये प्रोसेस होने में गाइस माइनक्राफ्ट के 2 दिन लग गए जिसमें सबसे पहले एग पे थोड़ा सा क्रैक आया एंड दूसरा दिन एंड होने ही वाला था कि तभी गाइस फाइनली हमारा स्निफर यहाँ पे एग से बाहर आ जाता है। सो बिना देरी करते हुए उसको मैं फटाफट से इस गड्ढे के अंदर डाल देता हूँ ताकि इधर उधर भाग के हमारी मेहनत खराब ना करे। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी माइनिंग करके अपने लिए जल्द से जल्द एक फुल्ली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करने की। सो अपने विलेज के पास ही मुझे यहाँ पे काफी गहरी केव मिल चुकी थी, मैं सीधा उसके अंदर जाते गया बट तभी भी मुझे यहाँ पे कहीं से भी डायमंड नजर नहीं आ रहे थे। सो मेरे पास फिर से एक ही ऑप्शन बचा था जो कि था स्ट्रिप माइनिंग करने का। एंड कुछ ही देर मैंने माइन किया ही था कि तभी मुझे यहाँ से कुछ डायमंड्स मिल चुके थे। सो मैं ऐसी स्ट्रिप माइनिंग करते गया ताकि मुझे इनफ डायमंड्स मिल सके।
एंड काफी देर की डायमंड माइनिंग करने के बाद गैस अब मेरे पास टोटल 45 डायमंड्स हो चुके थे जो कि मेरे लिए मोर देन इनाफ थे। सो इन भाई साहब को नींद से उठा के मैं सीधे चले जाता हूँ सोने के लिए। एंड क्योंकि गैस मेरे पास बूट्स ऑलरेडी थे तो मैं फटाफट से अपने लिए लेगिंग्स, चेस्ट प्लेट और हेलमेट क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैंने अभी तक एक शॉवल को क्राफ्ट नहीं किया था तो मैं एक डायमंड की शॉवल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ गैस अब अपने पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड अब गैस मुझे इस घर में रहते रहते काफी ज्यादा टाइम हो चुका था एंड अब ये घर मेरे लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका था, यानी कि अब बारी आ चुकी थी अपने लिए 1.20 बेस प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बनाने की। तो चलो फिर बिना किसी देरी के अपने प्यारे से हाउस को बनाना शुरू करते। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। एंड इसको गाइस मैंने चेरी बेस थीम पे बनाया जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड उसके बाद गाइस मैं अपने स्निफर के पास पहुंचता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि अपना स्निफर जो है अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड क्योंकि गाइस अब ये बड़ा हो चुका था यानी कि अभी अपने लिए सीड्स को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। एंड कुछ देर वेट करते इसने वो करना शुरू भी कर दिया एंड इसने शायद से जो है सीड्स को ढूंढ भी लिया था। तो उसके बाद मैं उस सीड्स को जाके कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि था एक टॉर्च फ्लावर सीड। एंड ट्रेडर को मार्केट गाइस मुझे दो लीश मिल चुकी थी जिसके जरिए मैं अपने स्निफर को बांध के अपने घर के पास लेके आ जाता हूँ एंड अपने घोड़े के साथ ही बांध देता हूँ। एंड अपने विलेज के फार्म वाले एरिया में ही मैं इस टॉर्च फ्लावर वाली सीड को प्लांट कर देता हूँ। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप करने की। तो जो मैंने शुरुकेंस को प्लांट किए थे वो अब ग्रो होकर रेडी टू हार्वेस्ट हो चुके थे, सो मैं उनको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। बट अभी भी ये शुरुकेंस इनाफ नहीं थे पूरे एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ और शुरुकेंस को प्लांट करके एएफके हो जाता हूँ। एंड कुछ दिन और वेट करने के बाद जैसे ये सारे शुरुकेंस ग्रो हो जाते मैं इन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड ये मेरे लिए मोर देन इनाफ थे। तो मैं फटाफट से इनकी हेल्प से कुछ पेपर्स क्राफ्ट करके थोड़ी बहुत बुक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद एक बुक के हेल्प से मैं अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड बचे हुए बुक्स को मैं बुक शेल्फ में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड उसके हेल्प से मैं फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप कर देता हूँ। एंड एक चीज तो गाइस मैं आपको बताना ही भूल गया कि 1.20 के अपडेट के बाद ये हैंगिंग साइंस भी आ चुके हैं जिसमें हम दोनों साइड्स पे लिख भी सकते हैं, साथ ही इन्हें एडिट भी कर सकते हैं जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपको ये चीज करना चाहिए। तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि गाइस अभी हम काफी ज्यादा क्लोज है 200 के सब्सक्राइबर को हिट करने में। एंड अब गाइस एन्चेंटमेंट के लिए मुझे एक्सपीस की जरूरत थी, सो मैं आ गया था नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए। सो मैंने यहाँ से भर भर के काफी सारे कॉर्ड्स को माइन करके इनाफ एक्सपीस को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इनाफ एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी एन्चेंटमेंट को शुरू कर देता हूँ जिसमें मुझे अपनी चेस्ट प्लेट पे, लेगिंग्स पे एंड बूट्स पे जो है प्रोटेक्शन 4 मिलता है। अपनी एक्स एंड शॉवल पे मुझे एफिशिएंसी 4 मिलता है, अपनी स्वॉर्ड पे मुझे शार्पनेस 5 एंड अपने बो पे पावर 3 मिलता है। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपना फुली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। बट अभी तक भी गाइस हमने 1.20 के सारे अपडेट्स को चेकआउट नहीं किया है, अभी भी कैमल बाकी है और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना बाकी है। सो मैं निकल पड़ता हूँ सबसे पहले उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ऐसे चलते चलते गाइस मैं एक जंगल बायोम में पहुंच जाता हूँ एंड जंगल बायोम में भी गाइस अभी काफी बड़ा अपडेट आया है। पहले गाइस ये जो बैम्बूस थे वो काफी ज्यादा नल्ले हुआ करते थे बट अब इनसे भी हम काफी सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गैस इन सारे बैम्बू से हम एक बैम्बू का ब्लॉक क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। एंड इस बैम्बू ब्लॉक से गैस हम बैम्बू के प्लैंक्स क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है अगर हमें कोई बिल्ड करना है तो। एंड इन बैम्बू प्लैंक से गैस हम नॉर्मली सारी चीजें तो क्राफ्ट कर ही सकते हैं बट इस बार बैम्बू प्लैंक से हम बैम्बू के राफ्ट को क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। ये बोट से तो काफी ज्यादा सिमिलर है बट काफी ज्यादा मजा भी आता है इसको चलाने में एंड दिखने में भी ये काफी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड फिर गैस जंगल बैम में मुझे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे सिर्फ कूड़ा मिलता है। बट तभी गाइस मैं नोटिस करता हूँ कि अपने रुइन पोर्टल के जस्ट सामने एक जंगल टेंपल था एंड इस बार जंगल टेंपल से हमें जो कुछ और ट्रिम्स मिल सकते थे जिससे हम अपने आर्मर पे और भी डिजाइन लगा सकते थे। सो मैं फटाफट से जंगल टेंपल के अंदर आ जाता हूँ एंड हमेशा की तरह तोड़फोड़ करके चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसमें कंट्रोल आगे इन नल्ले ट्रैप से बचते बचाते मैं एक और एक चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसमें आयरन, गोल्ड एंड मुझे एक सैडल मिलता है। फिर गैस गलती से मैं जो एक केव के अंदर गिर जाता हूँ एंड वहाँ से रास्ता ढूंढते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी गैस मैं देखता हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ कोबलस्टोन लगे हुए थे जो कि ऐसा नॉर्मली मिलता नहीं है केव के अंदर। सो मैं उसको तोड़फोड़ करके चेकआउट करता हूँ कि यहाँ पे हो भी क्या सकता है। एंड थोड़ा बहुत और तोड़फोड़ करके चेकआउट करने के बाद गैस मुझे लगा कि ये ट्रेल रुइन है एंड जैसे मुझे ये वाला ब्लॉक दिखा मैं समझ चुका था ये ट्रेल रुइन ही है। बेसिकली गैस ट्रेल रुइन एक स्ट्रक्चर है जो कि 1.20 में आया है एंड इसके अंदर से हमें सस्पिशियस ग्रेवल मिलते हैं एंड इन सस्पिशियस ग्रेवल को भी ब्रश करने पे गाइस हमें काफी अलग अलग रैंडम चीजें मिलती रहती है जैसे कि मुझे यहाँ पे ट्रिम्स मिले। आगे थोड़ा और ब्रश घुमाने के बाद मुझे कुछ कूड़ा मिलता है एंड फिर मुझे एक और एक ट्रिम मिलता है।
फिर गैस मैं देखता हूँ कि अपने जंगल बायोम के जस्ट सामने यहाँ पे काफी बड़ा सा डेजर्ट बायोम था, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको एक्सप्लोर करके एक डेजर्ट टेम्पल ढूंढा जाए। सो काफी देर इधर उधर भटकने के बाद फाइनली गैस मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है। सो मैं फटाफट से डेजर्ट टेम्पल के अंदर चले जाता हूँ एंड उसके बाद पहले चेस को चेकआउट करने पे मुझे एक प्रोटेक्शन 4 की बुक मिलती है, दूसरे में से मुझे कुछ एम्ब्रेल, तीसरे में से मुझे सिर्फ फालतू का सामान मिलता है एंड लास्ट चेस में से गैस मुझे ड्यून आर्मर के ट्रिम्स मिल जाते हैं, वो भी दो, यानी कि अब हम और भी डिजाइन क्रिएट कर सकते थे। एंड एंड डेजर्ट टेम्पल में भी गए साइड में ऐसे कुछ सस्पिशियस सैंड होते हैं जिनको भी हम ब्रश करके जो कुछ आइटम्स ले सकते हैं। ऐसे में एक सस्पिशियस सैंड पे ब्रश कर रहा था कि तभी मुझे एक डायमंड भी मिल जाता है। फिर ऐसे गए घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा मैंग्रोव बायोम भी मिल जाता है, जिसके जस्ट बाजू में यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज भी था जिसके अंदर से हमें काम की चीज मिलने वाली थी। एंड वो काम की चीज गए ये थी, ये रहा अपना प्यारा सा कैमल जिसको आज हम यहाँ से लेके जाने वाले। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ लूटपाट मचा ले, जहाँ पे मुझे टूल स्मिथ के घर से दो डायमंड एंड कुछ ब्रेड्स मिलते एंड क्योंकि ये डेजर्ट विलेज है तो यहाँ पे हेबल्स तो भर भर के मिलेगी, इसमें मैं सारे हेबल्स को बटोर लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली गैस मैं अपने प्यार से कैमल को सैडल पिना देता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद मैं इस पे बैठ भी जाता हूँ। एंड अगर गैस आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो एंड आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दे दो, इस प्यारे से ऊंट के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड इस कैमल की गैस एक स्पेशलिटी है कि ये डायरेक्टली लॉन्ग जंप मार सकता है, यानी कि हम जो है गड्ढे के अंदर नहीं गिरेंगे। बट अब आता है गैस अपना मेन टास्क, इस कैमल को बड़े प्यार से अपने बेस तक लेके जाना, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो इसको फटाफट से लेके चलते हैं। काफी देर की ट्रैवलिंग करने के बाद गैस फाइनली मैं अपने प्यारे से कैमल को अपने बेस पे लेके आ चुका था। मेरे पास एक और लिस्ट थी जिसके अल से मैं अपने कैमल को अपने घर के राइट वाली साइड में फेंस से बांध देता हूँ। एंड फाइनली गैस अब बारी आ चुकी थी अपने आर्मर पे ट्रिम्स लगा के अपने आर्मर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की। सो ट्रिम्स लगाने के लिए मैं एक स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद गैस सारे ट्रिम्स को अपने आर्मर पे लगा के जो अपने आर्मर पे ट्रिम सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था उसके हिसाब से डिसाइड करके मैं वो उन्हें लगा दे रहा था। एंड इन ट्रिम्स के लिए गैस मैं गोल्ड का यूज कर रहा था ताकि जब हम इस आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट करें ये और भी ज्यादा तगड़ा लगे। एंड अब देखो गैस हमारा आर्मर अभी से काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है, जब ये नेथरेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड उसके बाद गैस मैं सीधा चले जाता हूँ नेदर में फोर्ट्रेस को ढूंढ के ब्लेज रॉड लाने के लिए। और इन भाई सब को क्या है भाई, और पता नहीं भाई इन विलेजर्स ने जो है नेदर में भी अपना घर समझ के रखे क्या भाई, कुछ काम धंधा तो करते नहीं है। एंड थोड़ा देर भटकते गैस फाइनली मुझे डायरेक्टली ब्लेज का स्पॉनर मिल जाता है, तो मैं फटाफट से फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन मार के एक एक ब्लेज को कूटना शुरू कर देता हूँ। इना ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद गैस मैं सीधे आ जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द हम अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथरेट में कन्वर्ट कर सके। एंड काफी देर की माइनिंग करने के बाद मैं सिर्फ 28 एंशिएंट डेब्रिस ही कलेक्ट कर पाया, क्योंकि मेरे डायमंड की पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाली थी। एंड बेस्टन से मुझे ऑलरेडी कुछ एंशिएंट डेब्रिस एंड नेथरेट के स्क्रैप भी मिल चुके थे। उसके बाद गैस मैं कैनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसके हेल्प से मैं अपने डायमंड की पिकेक्स को रिपेयर कर लेता हूँ एंड एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड उसके बाद 8 नेथरेट के इंगट को क्राफ्ट करके मैं स्मिथिंग टेम्पलेट की हेल्प से फटाफट से अपने पूरा आर्मर को नेथरेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड ये देखो गैस अब अपना आर्मर कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, लेकिन अब गैस एक प्रॉब्लम आ चुकी है, अपने टूल्स को अपग्रेड करने भी मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट की जरूरत होगी एंड मैं ये भूल चुका था। तो मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे उनका ब्लेज पाउडर बना के मैं फ्यूचर के लिए कुछ आया फेंडर को क्राफ्ट करके रख देता हूँ। एंड मैं फिर से आ जाता हूँ नेदर में बैस्टन को ढूंढने के लिए। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे एक और एक बैस्टन मिल जाता है। सो बिना देरी करते हुए मैं सीधा मेन ब्रिज के पास पहुंचता हूँ। वहाँ पे पहुंच के मैं सारे पिगलिंग्स को जला के सीधा मेन ट्रेजर पे पहुंचता हूँ एंड उसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे दो स्मिथिंग के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे उसी के काफी ज्यादा क्लोज में एक और एक बैस्टन मिल जाता है, जिसकी चेस्ट को मैं चेकआउट करने जा ही रहा था कि तभी एक पिगलिंग ब्रूट मेरे पीछे पड़ जाता है एंड उससे मैं काफी मुश्किलों से बचा, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था बट जैसे तैसे करके मैं बच जाता हूँ। एंड उसके बाद सारे पिगलिंग से बचते हुए मैं चेस्ट को चेकआउट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर से मुझे एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, यानी कि अब मुझे सिर्फ एक ही की जरूरत थी। एंड लकीली बाजू में दो चेस्ट थी जिसमें से एक में से मुझे ऑब्सीडियन एंड गोल्डन कैरेट मिलते हैं, बट दूसरे में से मुझे फाइनली लास्ट वाला स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाता है। सो उसके हेल्प से मैं फटाफट से अपने सारे टूल्स को भी नेथरेट में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड इसी के साथ गैस फाइनली अब अपने पास एक फुल्ली इंचेंटेड नेथरेट का आर्मर भी आ चुका था। एंड गैस अब बारी आ चुकी थी 1.20 के भी ड्रैगन को खत्म करके यहाँ पे भी अपना कब्जा जमाने की। मैं फटाफट से आया फेंडर को फेंक के डायरेक्शन ढूंढ लेता हूँ, जो कि अपने घर के पीछे वाली साइड ही था। सो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए। काफी देर चलने के बाद जैसे मैं आया फेंडर को फेंकता हूँ तो वो सीधा नीचे की तरफ ही जा रही थी, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्गहोल्ड नीचे ही था। सो मैं फटाफट से नीचे की तरफ डिग डाउन करने लग जाता हूँ एंड उसके बाद गैस मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल जाता है एंड फिर मुझे एंड पोर्टल भी मिल जाता है, जिसे मैं फटाफट से लाइट अप कर देता हूँ। एंड गैस स्ट्रॉन्गहोल्ड में पहुंचने की और एंड पोर्टल को लाइट अप करने वाले सीन को मैं रिकॉर्ड करना ही भूल जाता हूँ। एंड उसके बाद गैस मैं सीधा चले जाता हूँ एंड में ड्रैगन को हराने के लिए। एंड ड्रैगन को तो हराना गैस कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से हराते आ रहे। तो मैं फटाफट से सारे क्रिस्टल फोल्ड लेता हूँ एंड उसके बाद थोड़ी बहुत बो से अटैक करके मैं उसकी हेल्थ को कम करता हूँ। एंड जैसे वो पर्च कर रहा होता है मैं फटाफट से उसके हेड पे अटैक करने लग जाता हूँ एंड कुछ ही देर में गैस ड्रैगन की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो मैं फटाफट से उसकी हेल्थ को कम करने लग जाता हूँ।
एंड अब स्केल काफी ज्यादा लो थी, सो फाइनली एक लास्ट हिट मार के मैं फाइनली 1.20 के वे ड्रैगन को इसी के साथ खत्म कर देता हूँ। एंड इसी खुशी में मैं सारी एक्सपीज को एंड ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सीधा आ जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में। एंड इसी के साथ गैस देखते देखते हमारे 100 डेज भी यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। सो होप करते गैस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गैस अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक कमेंट में है। इस वीडियो पे गैस मैं एम करता हूँ 8000 लाइक्स का, मुझे होप है इसे आप कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते गैस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।